वहाँ गाइस काम हो रहा था, तो वो काम अभी रुक गया है और मेरा फोन पूरा ही बिक गया है, पूरा फोन बिक गया है। एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ और इंटरेस्टिंग, कल रात से बारिश होने की वजह से हम लोग का गली का हालत क्या है भाई, चलने तक का रास्ता नहीं है। बट मेरा कोई प्लान बन रहा है, आप लोग को आने वाला व्लॉग में पता चलेगा, और बहुत ही क्रेजी प्लान है, मज़ा आएगा, आप लोग देखना ठीक है। तो अभी मैं अनरिवील नहीं करूँगा, बट जो एरिया में मैं अभी घूम रहा हूँ उसी। गाइस देखो गाइस, मौसम कैसा कर दिया, अचानक से पूरा ब्लैक वेदर हो गया पूरा भाई साहब। तो हे गाइस, दिस इज नॉट अ कैब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एल के ब्लॉग। तो स्वागत है दोस्तों आप लोग का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो आज मेरे साथ जो जानवर है वो बकरा है, क्योंकि कल हम लोगों का कुर्बानी होने वाला है, क्योंकि आज 28 है आज, और 29 को बकरा ईद है। तो आप लोगों को हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। सो फिलहाल हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं आज का व्लॉग, देखते हैं आज का क्या होता है। और फिलहाल सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ग्रीनरी का कमी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से स्लीपरी एरिया भी हो गया है और बकरी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। इसको नहलाएंगे कल, और नहलाने के बाद ही इनका काम तमाम होगा। और हवा चल रही है हल्का फुल्का, बट जो एक्सपेक्टेशन था कि गर्मी नहीं होगी, लेकिन गर्मी है। और भाई साहब बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा स्लीपरी हो गया। मम्मी यहाँ पर प्लास्टिक भी जा कर रखी क्योंकि मिट्टी ना कटे। और ये काफ़ी सुंदर सुंदर फूल का पैर, मम्मी को बोला था मैंने कि ना एक वे में काट के रखने के लिए, हम लोग का छोटा सा गार्डन एरिया ये, जो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और आप लोग को दिख रहा हूँ मैं, देखो गाइस क्या सुंदर है यार, पॉट्स में जो है यहाँ पे। यार मम्मी बहुत ज़्यादा ऐसा फूल पत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करने की वजह से ना इतना सारा फूल पत्ते लगाए रहते हैं, हर तरफ ही फूल पत्ते दिखेंगे, आम का पेड़ दिखेगा, फूल पत्ते दिखेंगे, मतलब छोटा सा एक गार्डन एरिया जो कि बेस्ट है। अमरूद वमरूद सब लगा हुआ है, जामुन इस बार इस पैर का भाई साहब इतना खाया जामुन गाइस, क्या ही बताओगे, अमरूद है गाइस, मज़ा ही है। और मेरा कोई प्लान बन रहा है, आप लोग को आने वाला व्लॉग में पता चलेगा, और बहुत ही क्रेजी प्लान है, मज़ा आएगा, आप लोग देखना ठीक है। तो अभी मैं अनरिवील नहीं करूँगा, बट जो एरिया में मैं अभी घूम रहा हूँ उसी से रिलेटेड है। और गाइस बारिश कल रात से ही हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लीपरी एरिया, मैं बार बार स्लिप कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरे को यहाँ रहना अभी रिक्सी है, तो बार लाइट नहीं है घर पे, और प्लस हम लोगों का जो टेबल है वो टेबल भी वर्क नहीं कर रहा है। सो मेरा भैया भी आए हुए हैं अभी कानपुर से, आप लोगों को बताया था लास्ट ब्लॉग में मैं कि भैया आने वाले हैं, और अरहान लोग नानी के घर पे था तो वो लोग भी आ गया है, भैया से भी आप लोगों को मिलाएंगे। तो मैं और भैया भी जा रहे हैं टेबल लेने के लिए, सो अभी टेबल लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग का पुराना वाला टेबल जो है वो वर्केबल ही नहीं है, मतलब पानी आ रहा है बट हवा ले ले रहा है, हवा ले रहा है तो बेकार था ये वाला टेबल जो है गाइस, ये टेबल वर्केबल नहीं, बहुत पुराना टेबल है, लेकिन बहुत मतलब बाबा आदम के ज़माने का टेबल है ये। सो ये चल नहीं रहा है, सो इसका भी इंतजाम करते हैं क्या होता है। सो फिलहाल अब हम लोग निकल रहे हैं टेबल लेने के लिए। और एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ और इंटरेस्टिंग, कल रात से बारिश होने की वजह से हम लोग का गली का हालत क्या है भाई, चलने तक का रास्ता नहीं है, कैसे चलेंगे वो ही नहीं पता। सुबह में मैं पूरा ये सब जितना भी था, ये सब जितना भी था कचड़ा वचड़ा सब हटाया, पहले रोड से पानी आती नहीं थी, बट ऐसा हो गया कि नाला खोदने के बाद ना अब रोड का पानी भी हम लोग तो गली से निकल के गुजर रहा है, तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है हम लोगों के लिए, जबकि चलने का भी रास्ता नहीं है, विदाउट बाइक तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। और हेयर इज ब्रदर, तो भाई आ गए हैं यहाँ पर, तो हम और भाई दोनों चलते हैं टेबल लेके आते हैं, एंड देन फिर आप लोगों को दिखाते हैं कैसे क्या क्या होता है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, और हम लोग का आ गया ये रहा सबसे बेस्ट वाला, और ये रहा हैंडल। सो हम लोग बैठते हैं और निकलते हैं घर, जस्ट पहुँचे, और पहुँचते पहुँचते रास्ते में बारिश हो गई, तो पूरा हल्का फुल्का भीग भी गए थे, और बारिश होने लगी गाइस, पूरा फिर से दोबारा से बारिश 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 हो रहा है, बहुत बेकार मौसम है यार। सोचे थे कि ब्लॉग बहुत बड़ा मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती किया हमने, भैया का फ्रेंड लोग आए थे तो वहाँ से बातचीत चल रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, अब टेबल वबिल भी लेके आ गए हैं, टेबल का मिस्त्री आएगा लगाएगा, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। और छत का माहौल देखो गाइस कैसा है, यहाँ पे मम्मी बहुत सारे पत्ते सुखा रही है, क्योंकि ये जलावन का काम आएगा बहुत ज़्यादा। और फिर से बारिश रुक चुकी है, मैंने सोचा था कि बारिश होगी तो मैं नहाऊंगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और ये वाला बिल्डिंग रिसेंट अभी बन रहा है गाइस, पहले यहाँ कुछ नहीं था, बट बहुत जल्दी कम से कम एक हफ्ता के अंदर अच्छा खासा लंबा बिल्डिंग कर लिया है, मज़ा आ गया।
बट यही कि हम लोग का सामने का व्यू जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। सो, बारिश का वेट करते हैं, अब देखते हैं बारिश होगी तो ना होगी, नहीं होगी तो मैं इन्फॉर्म करूँगा आप लोगों को। मज़े आ रहे होंगे व्लॉग में तो फिर ठीक है, नहीं भी आ रहे हैं तो यार सपोर्ट करो, अभी कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा है, जो बन रहा है वही बना रहे हैं बस। इस बार इस पैर का ना गाइस हम लोग जामुन नहीं खा पाए क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। पिछले बार खाए थे जब घर पे ही रहते थे, बट अभी फ़िलहाल जॉब वॉब करते हैं तो घर में टाइम दे नहीं पाते हैं तो खा भी नहीं पाए। पूरा कौवा और मम्मी लोग भाभी लोग मिलके सब खा पी ली, बट हम नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग का घर के पीछे तरफ जो था वो वाला अपना वाला, तो वो वाला हम लोग मैं तो खाया, उसमें ज़्यादा नहीं खाया बट खाया, दिखा नहीं पाया कोई नहीं बट खाया था। और इस बार हम लोगों का इतना बैड लक चल रहा है कि ये आम का पेड़ है, एक ये आम का पेड़ है, एक वो है, एक ये है, एक ये है। यकीन मानो एक में भी आम नहीं पकड़ा इस बार, एक में भी आम हम लोग का नहीं पकड़ा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार है। लेकिन हम लोग का नानी के घर में आम था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे अमरूदों की कमी तो बिल्कुल नहीं है भाई, हर जगह अमरूद ही अमरूद लगे हैं। हम लोग के 3-4 पेड़ अमरूद के हैं, वहाँ पे भी अमरूद का पेड़ है, वो वाला, ये वाला, यहाँ पे भी अंदर में एक है, तो अमरूद के पेड़ की तो कमी है नहीं, मज़े से खाएंगे। बट आज का जो कैमरा में भी दिख रहा है और अपने रियल आँखों से भी दिख रहा है कि आज पूरा ग्रीनरी सबसे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि बारिश हुई है, बहुत ज़रूरी था बारिश होना। और वेदर देखो भाई क्या सुंदर लग रहा है गाइस, देखो गाइस मौसम कैसा कर दिया, अचानक से पूरा ब्लैक वेदर हो गया पूरा भाई साहब। अगर बारिश हुई तो आज तो नहाना बनता है, आज तो नहाएंगे, मज़ा आएगा, देखते रहो गाइस। वाह क्या सुंदर सुंदर हवा भी चल रहा है, मज़ा आ गया। चेक दिस आउट गाइस, क्या गजब बादल है, ओ भाई भाई कहीं अटकाना पड़ेगा नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा। देख सकते हो क्या हवा चल रहा है, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। इसका बहुत दिन से वेट कर रहे थे। और काफ़ी मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और ये अभी मोबाइल को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है, तो एंजॉय करो आप लोग। यहाँ पे ना पानी गिर रहा है, देख सकते हो ऑफिसर वो वाला पाइप से, उस पाइप में जाएंगे। आने के लिए आ गए और भाई साहब मेरा ट्राइपॉड खराब हो गया, रुक जाओ मैं एक बार इसको मेंटेन कर लेता हूँ। भाई बहुत ही भयंकर बारिश हो रहा है और फिलहाल अभी एंजॉय कर रहे हैं, अभी नहाएंगे, ऐसा नहीं कि इतना जल्दी हट जाएंगे। अरे मेरा कैमरा पूरा फोन भीग गया, गाइस कुछ हुआ तो नहीं ना,
रिकॉर्डिंग चालू है ना? गाइस रिकॉर्डिंग चालू है, हल्का फुल्का मेरा फोन दिख गया है। कोई नहीं या गाइस, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी जहाँ घर बन रहा था ना, बेचारा लोग का घर बनना रह गया, इतना ज़्यादा भयानक बारिश आ गया है। आप लोग देखना, वहाँ एक घर बन रहा था, वहाँ देखो, वहाँ जस्ट ऊपर से देख रहा था, वहाँ घर बन रहा था, बट बारिश ऐसा हो गया कि बेकार ही हो गया एक तरह से ना, पूरा मेहनत खराब हो गया मजदूर लोग का। तो होप कि ऐसा नहीं हो, बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, लेकिन मैं आपको एक जगह और दिख जाता हूँ गाइस। ओ मेरा फोन भाई, पूरा भाई क्या ही बारिश हो रहा है। दिस इज मजा गाइस, और मैं ये मजा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देना चाहता हूँ। मैं ये मजा जो है ना हिंदुस्तान के हम लोगों को देना चाहता हूँ। सो गाइस, हम लोग अभी छाता लेके हैं गाइस। ओ भाई, हम खाली अपने छाता मंगाया ब्लॉग करने के लिए, क्या ही मस्त यार। और वहाँ गाइस काम हो रहा था, तो वो काम अभी रुक गया है, और मेरा फ़ोन पूरा ही बिक गया है, पूरा फ़ोन बिक गया है। और वहाँ देखो मेरी बहन दूसरे वाले घर से अभी वो भी इंजॉय कर रही है। और बारिश भाई बहुत ज़्यादा पड़ गया। ओ भाई साहब, अभी फिर फ़ोन के लिए हम लेके आए, और आपको दिखाता हूँ गाइस क्या ही बारिश हुआ यहाँ नीचे। आप चेक करो क्या पानी है भाई, भाई साहब फोन पे पानी जा रहा है, कुछ भी हो सकता है गाइस। बहुत रिस्क लेके ब्लॉग बना रहे हैं भाई, प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत रिस्क है, प्लीज़ लाइक वाइक कर दो यार ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। ओ भाई साहब, यहाँ आपको गली भी मैं चेक कराता हूँ गाइस, भाई पूरा गली में पानी ही पानी भाई, हमारा गाली देखो भाई, पानी ही पानी भाई साहब, क्या रिक्स है भाई। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ व्लॉग में भाई साहब, मज़ा आ गया। और अभी तो मैं और भी मस्ती करूँगा, बट आप लोग जुड़े रहो भाई, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट भाई साहब, भाई मूसलाधार बारिश, और पानी का चेक करो गाइस। ओ भाई साहब, भाई एक्सपेक्टेड नहीं था क्या इतना बारिश होगा, ज़्यादा ही बारिश हो गया नहीं, मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। अभी पहले मैं फ़ोन को पूछता हूँ एंड देन फिर आता हूँ मैं। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग मोबाइल वोबाइल को साफ़ कर लिए हैं, मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया गाइस उस चक्कर में। सो अभी तो बारिश हो ही रही है बहुत भयानक तरीके से हो रही है, तो मैं बारिश को एंजॉय करता हूँ। अभी और आधा घंटा है, जितना चलेगा बारिश लगभग तभी उठे फिर आपको मिलता हूँ, ऐसा कि ट्राइपॉड भी टूट गया अभी कोई मतलब नहीं बनता है। तो एंजॉय, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना चाहिए। तो गरेज वाला खल्डा खुर्दा वादा किया था है, भाग गया दुकान बंद कर दिया, परसों में लगा था दुकान किए थे गरेज स्टोर में, गाड़ी धोने का पानी नहीं। तो सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों का ट्यूबवेल ठीक हो चुका है, और फिलहाल अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। मुझे उठते उठते लेट हो गया था, मैं मतलब नहा धो के बारिश में खाना वाना खा के सो गया था, तो ऐसा नींद लगा कि एकदम पूरा ही सो के रह गया। जस्ट अभी अभी उठा हूँ, सो अभी देखते हैं, थोड़ा सा चलेंगे अपना सेंटर एंड देन वहाँ से आप लोग को आके बताते हैं क्या करते हैं। गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं, और मैं घर आ गया था सेंटर से, और फिलहाल भैया अभी यहाँ पे लहसुन, भाभी और फैमिली का लहसुन काट रहे हैं, यहाँ मम्मी प्याज व्याज छील रही है, और अढ़ान यहाँ पे सैलेड खा रहा है, और पापा इधर फ्रेश फ्रेश हो रहे हैं। सो यहाँ तक अगर आप लोग ब्लॉग में आ गए हो तो कमेंट करना कि कैसा लगा ब्लॉग, और थोड़ा सा आइडिया भी दो क्या क्या कमेंट्स करो यार, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पानी भी गिर गया है और पूरा घड़ी ख़राब हो गया है, पूरा लहसुन का छिलका उलका इधर उधर हो रहा है। सो
कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग कमेंट करिएगा, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस इसी तरह के किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स। बाय गाइस।